नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज खबर। यूपी के मऊ जनपद से है, जहां कोरोना को लेकर दूसरे प्रदेश से आए लोगों की रोडवेज पर स्क्रीनिंग हुई। तमाम बसों से पहुंचे लोगों की रोडवेज पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है। तस्वीरें सीधे यूपी के मऊ जनपद के रोडवेज से है। इस दौरान काफी संख्या में लोगों के पहुंचने पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर लोग मौजूद हैं और बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इस दौरान यात्रियों ने क्या कहा, आप खुद ही सुने। कहां जा रहे हैं सर? कल के हम आए नोएडा से। अच्छा, आज चेक कराने आए सर, कल रात में आए। तो कल रात में आए, घर गए थे? कोई ऐसा महसूस कुछ नहीं हो रहा है? नहीं सर, कुछ महसूस नहीं। और फिर भी अच्छा, नोएडा क्या छोड़ने का कारण रहा क्या? नोएडा में सर थोड़ा दिक्कत पड़ रही है, सारे रूम बंद है, छोड़ के जा रहे हैं। सब्जी लेने जाओ तभी भी दिक्कत है सर, खाना खाने में तभी भी दिक्कत हो रहा है। रूम पे रोते रहते बोर हो जा रहे हैं, खाना भी दिक्कत हो रहा है। नाम आपका? भूपेंद्र भास्कर। अच्छा, क्या क्यों कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं गाजियाबाद से आ रहा। क्या दिक्कत थी वहाँ पे, क्या हो रहा? कंपनियाँ बंद हो गई थी, जो जो सैलरी वाली मिली थी हम लोग दे दिए थे घर पे। हाँ। हमारे पास कुछ था नहीं, इसलिए हम लोग चले। तो मतलब खाने पीने का सब दिक्कत? हाँ, हो रही। आपको बता दें, काफी संख्या में लोग दूसरे जगहों से मऊ जनपद में पहुंचे हैं, जहां पर बाहर से आए हुए मऊ जनपद के लोगों को आइसोलेट किया गया है। आइसोलेशन सेंटर में उन्हें रखा गया है फिलहाल, और वहां पर प्रशासन द्वारा उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। क्या नाम है? कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, क्या दिक्कत थी वहाँ दिल्ली में, क्या परेशानी? सर दिल्ली में ये दिक्कत थी, कोरोना को और खाने के लिए हम लोग तबाह हो गए थे, और बसें बंद हो गई थी, और ठेकेदार भी गांव चले गया था, तो ज्यादा दिक्कत होने लगी, इसलिए हम लोग चले। लखनऊ से आ रही है, मोबाइल नंबर बोल दीजिए।